भी सामाजिक संगठन उनको जोड़ना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, 15 तारीख के बाद आप पे आरोप लगेंगे, तरह तरह के प्रत्यारोप होंगे, तरह तरह के अपमानित शब्द कहेंगे आपको, क्योंकि हमें हमारे लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना है। अब हमारे दो ही जगह होंगी, क्या तो सड़क या फिर जेल। देखिए, 15 तारीख को आप अपने राजनीतिक दल की घोषणा करेंगे, और जब भीम आर्मी के लोग सड़क पर आते हैं तो कोई उनकी बात को, जब उनके खिलाफ मुकदमे होते हैं, क्योंकि वो चुप इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि वो तैयार हो चुके हैं अपने सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, अपनी माँ बहनों की सुरक्षा करने के लिए, अपने वोट की सुरक्षा करने के लिए, अपने फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को सुरक्षा करने के लिए। तो वो चुप नहीं रह सकते, उनसे गुलामी नहीं की जा रही है। लेकिन जब वो सड़क पर आते हैं तो तरह तरह के सरकारें, मुकदमे, लाठियां, गोलियां, क्या क्या सरकार उनको देती है, कोई नेता उनके पीछे नहीं खड़ा होता। तो जैसा मैंने अभी घोषणा भी की थी कि आरएसएस के पैटर्न पे ये भीम आर्मी बनेगी, और भीम आर्मी की राजनीतिक दल में एक बड़ी भूमिका रहेगी। जैसे भीम आर्मी चाहेगी वैसा ही राजनीतिक दल के लोगों को करना पड़ेगा। तो क्योंकि भीम आर्मी हमारा बड़ा संगठन है, भीम आर्मी से हमारी पहचान है, तो इसलिए भीम आर्मी को ही ताकत ये राजनीतिक दल बनेगा। और जो भीम आर्मी के दिखाए और हमारी जो इंटेलेक्चुअल टीम, आज मैं ये भी घोषणा कर रहा हूँ कि मिशन 78 को हम दोबारा से जिंदा करेंगे, बाम सेफ को हम दोबारा जिंदा करेंगे। जो अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने बड़ा त्याग बलिदान किया माननीय साहब काशीराम के नेतृत्व, तो घर बैठे हुए हैं, उनको भी मेरा निवेदन है कि वो भी एकजुट हो जाएं, तैयार हो जाएं मिशन मोमेंट काम करने के लिए। आपकी भी जिम्मेदारी है, आप हताश निराश ना हो, आपके ये परिवार के लोग, भीम आर्मी के परिवार के लोग आपको मान सम्मान भी देंगे, और आप ही हमारे इस युवा वर्ग को दिशा निर्देश देके आगे बढ़ने के लिए तैयार करेंगे, कैटराइज करेंगे। तो मेरा आपसे भी निवेदन है, आपके भी भीम आर्मी के साथियों से कह रहा हूँ, आपके यहाँ भी कोई अगर सीनियर रहते हो, बामसेफ से जुड़े हुए हों, बामसेफ में काम किया हो मिशन मूवमेंट के, उनका भी सम्मान करें, उनको भी जोड़ने का काम करें, क्योंकि उनमें वो ऊर्जा थी जो माननीय साहब काशीराम के समय में तैयार हुई, जिस ऊर्जा का ने एक पेड़ को पौधा बना दिया, एक पौधे को एक पेड़ बना दिया, वृक्ष बना दिया, फल देने वाला वृक्ष। आज वो घर बैठे हुए इसका भी खामियाजा समाज को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी बात, मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। तो भीम आर्मी के नौजवानों ने और सामाजिक संगठनों के नौजवानों ने मिशन को रुकने नहीं दिया। आपने जो ताकत दी, पूरी दुनिया में भीम आर्मी का डंका बजता है, तो भीम आर्मी के एक एक सिपाही को, एक एक कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को, हमारी बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, बहुत बहुत क्रांतिकारी, जय भीम, नीला सलाम। आपकी मेहनत ने, आपके त्याग ने, आपके बलिदान ने, आपके संघर्ष ने विपक्ष में की भूमिका अदा की पिछले 5 साल के बीजेपी सरकार में। आप लगातार लड़ते रहे, 2 अप्रैल हो, रविदास मंदिर आंदोलन हो, जमा मस्जिद आंदोलन, कोई सा आंदोलन हो, आज सत्ता के सामने कोई विपक्ष नहीं है, भीम आर्मी के लोग विपक्ष में। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा, मैं ये भी बता रहा हूँ, बहुत कान खोल कर सुन लें आप लोग, तैयार रहिएगा, तरह तरह के आरोप 15 तारीख के बाद आपके ऊपर लगेंगे। कोई आपको एजेंट कहेगा, माननीय काशीराम साहब को सीए का एजेंट कहते थे लोग, कोई आपको एजेंट कहेगा, कोई आपको किसी की बी टीम कहेगा, कोई ए टीम करेगा कहेगा, कोई कैसे फोटो डालेगा, कोई किस तरह की बात करेगा, कोई बनावटी बात करेगा, कोई झूठ बोलेगा, कोई आरोप लगाएगा। माननीय साहब काशीराम के, जब आपका विरोध होने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि आप ताकतवर हो रहे हैं। अगर आपका विरोध स्टार्ट होता है और आप पे झूठे आरोप लगते हैं, आरोपों से घबराएं नहीं, आलोचनाओं से ना घबराएं। घबराने का काम भीम आर्मी के लोगों का नहीं है, भीम आर्मी ने अपनी पहचान अपने काम से बनाई है, और आगे भी हम बोलेंगे नहीं, अपने काम से अपनी पहचान साबित कर दें। मैं ये निवेदन भी कर रहा हूँ, आपको किसी की बुराई नहीं करनी, आपको किसी को अपशब्द नहीं कहना। भीम आर्मी के लोगों को ये कभी नहीं सिखाया मैंने, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, या किसी भी पदाधिकारी ने, हमने आपको सबका सम्मान करना सिखाया, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाना सिखाया है। और जो जो स्वार्थवश आज हमारी बुराई भी कर रहे हैं, किसी कारण से कर रहे हैं, किसी पार्टी कहे से या किसी विरोध में, कि हमने बहुत लंबे समय तक काम किया, भाई हमें तो किसी ने पहचान नहीं दी, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो स्वार्थ, हम उनको भी कहते हैं आप चिंता मत करें, हम सबको जोड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, एकता में शक्ति, हम सब लोग इकट्ठा करेंगे, आप परेशान ना हो। बहुत जल्द आपके घरों तक भी आर्मी के लोग आएंगे, आपको भी सहसम्मान जोड़ा जाएगा, आपको भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो जितने भी सामाजिक संगठन, उनको जोड़ना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, 15 तारीख के बाद आप पे आरोप लगेंगे, तरह तरह के प्रत्यारोप होंगे, तरह तरह के अपमानित शब्द कहेंगे, आपको अपने लोगों की बुराई नहीं करनी।
आप लोगों को अपने लोगों को बुरा नहीं कहना, आपको संघर्ष करना, और परिवर्तन यात्रा शुरू होगी 15 तारीख के बाद। जैसे मैं आपको दो चीजें बहुत जानकारी की दे रहा हूं, पहली बात ये कि 15 तारीख को क्योंकि दिल्ली का माहौल अच्छा नहीं है, दिल्ली आसपास का माहौल अच्छा नहीं, हमारे लोगों के साथ बड़ी एक जो है ट्रेजेडी हुई है दिल्ली के अंदर, तो क्योंकि हमारा अब जमीर जिदा है, हम अपने समाज के बहुजन समाज के लोगों से प्यार करते हैं, तो बड़ी रैली ना बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग घोषणा करेंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सब लोग आना चाहते हैं और आप सब लोग ये भी महसूस करते हैं कि उस पल में आप मेरे साथ रहें, तो आप उससे जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप 15 तारीख को गाँव गाँव में मीटिंग करें, और सबसे पहले तो माननीय साहब काशीराम के कैडर को, माननीय साहब काशीराम के त्याग बलिदान समस्त उसको, उनका जो संघर्ष था उसको, और माननीय साहब काशीराम ने जो दिशा निर्देश दिए, जो सिद्धांत पैदा किए, उनको आप अपने नौजवानों को, अपनी बहनों को, बुजुर्गों को इकट्ठा करके समझाएं, और फिर इसी लाइव के माध्यम से, जैसा मैंने आपको इसी लाइव के माध्यम से, आप वहाँ से कई चैनल से हम लोग प्रयास करेंगे, यूट्यूब चैनल से या भीम आर्मी पेज के जरिए से हम लोग लाइव कराएंगे, आप तमाम लोग वहीं बैठकर घर पर आराम से इसको देख सकते हैं। ये मेरा निवेदन है, और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जहां भी रहें इस पल को जरूर देखें, और आप इसको देखना भी चाहते हैं तो आप ये ना सोचें कि आप यहां नहीं आ पा रहे हैं, आप वहीं से देखें, पूरी देश में, दुनिया में, विदेशों में जो बैठे लोग हैं वो भी आना चाहते हैं, उनकी भी मांग है, मैंने उनसे भी कहा कि वो भी वहीं देखें, क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है, और हम कोई खुशी नहीं बना रहे, मजबूरी में इस काम के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमें अब हमारे लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना है। अब हमारे दो ही जगह होंगी, या तो सड़क या फिर जेल, क्योंकि हम चुप नहीं रह सकते। बाबा साहब ने हमें गुलामी करना नहीं सिखाया, बाबा साहब ने कहा अन्याय अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला दोषी होता है। रोज रोज जाति बढ़ रही है, रोज अत्याचार हो रहे हैं, हम गुलाम नहीं है, हम सहन नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जहां भी रहें आराम से बैठ कर देखें, आप ये ना सोचे, कोई निराश ना हो कि हमको नहीं बुलाया गया, हमको नहीं बुलाया गया, ये मजबूरी है, इसलिए आपसे कह रहा हूं। एक दूसरी बात, 15 तारीख के बाद हमारे जो परिवर्तन यात्रा शुरू होंगी, तो जैसे सहारनपुर में निकली, तो आप लोग अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रदेशों में परिवर्तन यात्रा है, सस्ते संसाधनों पर, साइकिलों पर, मोटरसाइकिल पर स्टार्ट करें, और अपने राजनीतिक दल का भी प्रचार करें, अपने जो सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का आंदोलन का जो सपना था उसको भी प्रचार प्रसार करें, पाखंडवार से दूर रहने के लोगों को तैयार करें, ये भी जिम्मेदारी आपकी है। एक अभी और इस कड़ी में भीम आर्मी के हमारे बहुत जिम्मेदार साथी, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव दोनों जेल में हैं, हमारे भाई सीएम जेल में हैं, जल्दी वो भी हमारे बीच में होंगे, तो मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूं कि 15 मार्च के बाद सभी संगठनों को भी हम जो हैं एकजुट करेंगे, उनको भी जोड़ेंगे, और बहुत तरह की विंग बनेंगी, उसमें भी लोगों को जोड़ने काम किया जाएगा। सबसे जो जरूरी बात है कि मिशन 78 जो सबसे बड़ी ताकत थी हमारी, सरकारी कर्मचारियों का, हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों का संगठन, जिसने सबसे बड़ी ऊर्जा दी, जिसने कैडर काम किया, जिसने गांव-गांव जाके लोगों को जगाया, उसको हम दोबारा से जिंदा कर रहे हैं, तो आज मैं इसकी घोषणा करता हूँ, मिशन 78 हम दोबारा तैयार कर रहे हैं, और बहुत जल्द मेरे द्वारा या जो साथियों को मैं नामित करूँगा वो आपसे संपर्क करेंगे, हमारे जो रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी उनसे संपर्क करेंगे। आप याद रखें, आपने बड़ा संघर्ष किया था, आप भी मुझे बहुत सुनते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, आपके संघर्ष बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने जो सपना देखा था कि बहुजन राज है, बहुजन समाज हुक्मरान बने, वो बनेगा, और इसे बनाने की जिम्मेदारी की अब युवाओं के कंधों पर है। अब युवा आराम नहीं करेंगे, वो काम करेंगे, वो संघर्ष करेंगे, और राज आने वाली पीढ़ियां करेंगी, इसके लिए ये प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है। तो मेरी बहुत मंगल कामनाएं, इस गुलामी से आजादी चाहिए, जो गुलामी हमारे पर थोप दी गई ना, इस गुलामी से आजादी चाहिए, तो इसके लिए आप तैयार हो जाएं, कमर कस लें, अब हम गुलाम नहीं रहेंगे, अब इस गुलामी से आजादी चाहिए और हमें आजाद होना है, तो आप लोग संघर्ष करें, आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि मांगने सिर्फ भीख मिलेगी, अगर आपने अधिकार चाहते हैं देश में तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, और भीम आर्मी के तो एक एक कार्यकर्ता को, तमाम जितने भी पूरे देश में दुनिया भीम आर्मी कार्यकर्ता रहते हैं, उन सबको मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।